स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है तो बाकी एकल कृषि है और एक नहीं है। जैसे डेयरी कृषि, डेयरी में केवल दूध का उत्पादन किया जाता है, यानी ये एकल कृषि है। इसी प्रकार से रोपण कृषि की बात करें तो उसमें एक ही प्रकार का फसल रोपा जाता है। वाणिज्य अनाज कृषि में भी एक ही प्रकार के फसल पर ध्यान दिया जाता है, जैसे गेहूं तो केवल गेहूं पर ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर चावल तो केवल चावल पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मिश्रित, जैसा कि यहाँ शब्द में ही लिखा है, मिश्रित का मतलब केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिला जुला करके खेती किया जाएगा तो वह मिश्रित खेती कहलाएगा। जैसे पहले, जैसे मान लेते हैं कि आप धान का फसल उगा लिए, धान के फसल के बाद कौन सा फसल उगाया जा सकता है? गेहूं का फसल उगाया जा सकता है। और गेहूं के फसल के बाद आपके पास अगर समय बचता है तो आप आलू का फसल उगा सकते हैं, इसके बाद आप सब्जी भी उगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सारा क्या है कि ये फसल का चक्रण है। आप एक ही खेत में ज्यादा फसल उगा सकते हैं और इस प्रकार का खेती मिश्रित खेती खेती कहलाती है, ये एकल कृषि नहीं है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।